उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने अपने बयान में बोल डाला, अपने घर में आदमी शेर होता है, दूसरे के घर में कुत्ता। वोटरों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ, जहां सभी दलों की नजरें गड़ी हुई है, जिसके चलते आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न सिंह की एक पदयात्रा कानपुर के बेनाझाबर स्थित रविदास आश्रम से हर्षंग चौराहा होते हुए महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ग्वालटोली स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह की पदयात्रा का जगह जगह पर फूल मालाएं पहनाकर एवं घरों से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। जनसभा में उमड़ी भीड़ ने राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी गठबंधन हमारा संवैधानिक अधिकार है, समय आने पर देखा जाएगा कि किसे समर्थन देना है। कानपुर से मुजीशान के साथ नफीस अहमद की रिपोर्ट। मन पर आपकी जो पार्टी है इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? भीम आर्मी का जो आपका संगठन है, भीम आर्मी पार्टी विधानसभा के चुनाव भीम आर्मी के भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की से आपसे बात कर रहा हूँ कि इस बार विधानसभा में चंद्रशेखर रावण जी की क्या तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत मजबूत है, ये तैयारी है। जी जी, तो विधानसभा में आपके प्रत्याशी कितने इस बार उतारे जाए? देखिए ये तो अभी क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं।